तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ जो कि कक्षा 12 की रसायन विज्ञान है। और कक्षा 12 की रसायन विज्ञान में यूपी बोर्ड में जो है आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि जो भी हमारे कार्बन से रिलेटेड वाले जितने भी हमारे यौगिक होते हैं सबको उनमें कार्बनिक यौगिक में ढकेल दिया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक रसायन में ढकेल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। पीछे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कुछ भी है लेकिन आपको बताना है कि प्रोडक्ट ए यानी कि जो उत्पाद ए है और उत्पाद बी है, इन दोनों में आपको बताना है कि ए और बी जो है वो क्या होगा। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और जस्ट इसके एक जैसा एक और एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको एकदम अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक, देखिए सबसे पहले आर एक्स का मतलब क्या है। आर और एक्स का मतलब ये होता है कि ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड है। मतलब कि आर की जगह पे कोई भी कार्बनिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो सकता है, ग्रुप नहीं, कोई भी कार्बनिक यौगिक हो सकता है। जैसे कार्बनिक यौगिक का मतलब जैसे कि CH3, C2H5 ये वाले सब, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे, ये जो आर की जगह पे कुछ भी हो सकता है। और एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स की जगह पे हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो एक्स की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगा सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड बोलते हैं, या फिर हेलो एरिन ये आता है, हेलो एरिन ये चैप्टर ही पूरा है, तो इसको हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड बोलते हैं। ठीक, याद रखिएगा इसको क्या है, एल्किल हैलाइड। ये एल्किल ग्रुप है और ये हैलाइड, इसलिए एल्किल हैलाइड हो गया। ठीक, आर एस का मतलब KCN यानी कि पोटेशियम साइनाइड जो है वो हमारा दे दिया गया है, पोटेशियम साइनाइड से अभिक्रिया कराई जा रही है और हमको बताने की प्रोडक्ट ये क्या होगा। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर एकदम एलोबरेट कर देते हैं। आर एक्स हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा, के प्लस हो जाएगा और KCN हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये के प्लस में टूटता है और CN माइनस में टूटता है, और ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये माइनस में टूटता है एक्स वाला, और यहाँ पर टूटता है प्लस में, क्योंकि एक पे माइनस तो एक पे प्लस हमारा ऑलरेडी आएगा। अब ये माइनस वाला जो है वो प्लस पर जाता है क्योंकि हमको पता है अपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, और ये के साथ में क्या निकल जाएगा, ये ए एक्स चला जाएगा। तो जो हमारा प्रोडक्ट ए होगा तो आपको दिख रहा होगा क्या बन जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो आर और सी और एन बन जाएगा। ठीक, आर एस आर सी एन बन गया प्रोडक्ट ए। अब प्रोडक्ट ए पे हमने हाइड्रोजन दिया यानी कि इसका अपचयन करा रहे हैं। अपचयन कराने का मतलब कि हाइड्रोजन जोड़ दें, जितना हो सके वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आर हो गया, ये सी ए हो गया, और ये ट्रिपल बॉन्ड क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आएगा। दो बॉन्ड टूटेगा तो दो हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ भी आ गया, यानी कि दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन इधर। दो बॉन्ड टूटा, दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन दोनों साइड जुड़ गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो हो जाएगा RCH2, और यहाँ पर हो जाएगा NH2। 1 डिग्री अमाइन हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन गया। ठीक है, तो बी वाला प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, बी वाला हो गया RCH2, और फिर क्या है हमारा NH2 जो है वो हमारा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, और प्लस में KX तो हमारा गया ही है, प्लस में KX हमारा रिलीज तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब इसको ज़रा एक आते हैं, थोड़ा एग्जांपल पे करते हैं, ज़रा देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझ गए ना आप, RCN है, RCN टूटेगा बॉन्ड, दो बॉन्ड टूटा, दो एच इधर, दो एच उधर, ये हो गया खत्म। अब आते हैं यहाँ पर दूसरा, अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल में मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर CH3, फिर CH2, फिर यहाँ पर ले लेते हैं हम यहाँ पर कोई एक्स ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि हम ले लेते हैं क्लोरीन। ठीक है, हमको अभिक्रिया करानी किसके साथ, KCN के साथ करा, पोटेशियम साइनाइड के साथ हमें इसकी अभिक्रिया करानी है। तो इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे तो ये देखिए ये कटेगा, ये प्लस है, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये प्लस, ये माइनस, यहाँ पर भी सेम वही, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अटैक करवा देते हैं तो यहाँ पर K प्लस जाएगा यानी कि KCl निकलेगा, और ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि जो हमारा ये प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 तो यहीं पे है, फिर CH2 भी यहीं पर है, और ये CN यहाँ पर अटैच हो जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया हमारा, CN हो गया। ठीक, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, C में और N में ट्रिपल बॉन्ड लगता है तो ट्रिपल बॉन्ड लिख देते हैं, और प्लस में KCl जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा, क्योंकि ये भी तो है K और Cl, पोटेशियम क्लोराइड। अब इसे हम क्या देना है, हमें देना है इसको हाइड्रोजन देना है। ठीक है, इसको हमें क्या देना है, हाइड्रोजन देना है। तो इसको हम जब हाइड्रोजन देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिर मैंने जैसे बताया ये दो बॉन्ड टूटेगा तो ये दो हाइड्रोजन इधर और दो हाइड्रोजन इधर, तो हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2, और फिर से CH2 और फिर से NH2। ये बताइए क्या है, 1 डिग्री अमाइन या 2 डिग्री अमाइन, तो ये भी जो है हमारा क्या है, 2 डिग्री अमाइन ही है। ठीक है,
तो हमेशा इससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऐसी अभिक्रिया दे दिया है और R दिया है और CH2 दिया है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए कि इसमें कितने डिग्री एमाइन मिलेगा। तो हमेशा ऑलवेज ऑलवेज जो है वो 1 डिग्री एमाइन मिलता है हमेशा। 1 डिग्री कैसे, डिग्री कैसे देखते, देखिए एमाइन ग्रुप है ना वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वैसे हम बता दें आपको, टॉपिक तो नहीं है बट ठीक है। ये देखिए ये अमाइन ग्रुप है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, यानी कि ये क्या है हमारा 1 डिग्री अमाइन है, ठीक। अब मान लीजिए हमारा NH हो गया, एक CH3 इधर हो गया, एक CH3 इधर हो गया, ठीक है। अब ये कितने कितने कार्बन से जुड़ा है, ये हमारा अमीन ग्रुप जो है वो कितने कार्बन से, हाइड्रोजन हट गया लेकिन ये हमारा अमीन ग्रुप जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन हो जाएगा, ठीक। अब वैसे ही मान लीजिए ये हम कहते हैं ये CH3 इधर है, CH3 इधर है, CH3 इधर है, 1 2 3 तीन CH3 है ना, तो ये कितना डिग्री हो गया हमारा 3 डिग्री हो गया, है ना। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो ये 3 डिग्री हो गया। नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हो गया। और यहीं पर मान लीजिए ये हमारा नाइट्रोजन जो है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, इसलिए हमारा क्या हो गया 1 डिग्री हो गया। सेम एज इट इज़ जो है वो कार्बन में भी होता है, अगर ये कार्बन जो है वो हमारा एक CH3 से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट हम 1 डिग्री C लिखते हैं। और मान लीजिए अगर ये कार्बन जो है वो 2 CH3 से, यानी कि 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम लिखते हैं 2 डिग्री कार्बन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्गोनिक ऑफ रूल में, पता नहीं कहाँ से कहाँ हम लोग चले जा रहे हैं। अब अगर मान लीजिए यही है, इसको ऐसे लिखते हैं CH3 C और यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये CH3 हो गया, तो ये हमारा कितना है 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन और ये 3 डिग्री कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ा है इसलिए 3 डिग्री कार्बन, दिख ही नहीं रहा है ज़्यादा नीचे हो गया, कोई बात नहीं, मैं समझ जाए कि अगर 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री कार्बन, 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री कार्बन, 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री अमाइन है ये, 2 डिग्री अमाइन है ये, 3 डिग्री अमाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है बहुत गलत बात है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं याद रखेंगे तो बहुत ही मतलब दिक्कत हो सकती है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो, जब कॉम्पिटिशन तैयारी करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ें तो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। 2 रिएक्शन बताएं, एक ही रिएक्शन बताएं लेकिन उसमें 2 एग्जांपल बताएं जिससे आप में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चलिए फिर वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसकी वीडियो जरूर बनेगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।